हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में यूपी टेट और वन डे एग्जाम से रिलेटेड साइंस से कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे जो इस प्रकार हैं। तो आज की इस वीडियो में उपकरण और उपकरण के द्वारा ऊर्जा में रूपांतरण का स्टडी किया जाएगा और जो बहुत ज़्यादा वन डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है डायनमो। ये जो डायनमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दूसरा है मोमबत्ती। मोमबत्ती भी एक प्रकार का उपकरण है जो अगर जिसे जला दिया जाए तो वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और जो माइक्रोफोन होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इसी प्रकार से जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और इसमें सौर ऊर्जा या सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल एक प्रकार का उपकरण है जो सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ट्यूबलाइट जो होता है वो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसी प्रकार जो विद्युत बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है, और विद्युत सेल जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो सितार होता है यह एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है डायनमो। तो डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में। और दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सोलर सेल। जो सोलर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और अगला है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है।